मान लीजिए उसका पर्सनल इवेंट लिया, इज बॉन्ड बॉम्बे और दिस ईयर एंड द चाइल्ड, ये सब आपने लिखा दो चार लाइन, तो वो एक पैराग्राफ में आएगा। जैसे ही उसने टूर्नामेंट रणजी खेलना शुरू किया या अंडर 10 खेलना शुरू किया, तो ये उस उसके पर्सनल लाइफ से अलग हो जाएगा कि वो सेम रहेगा, अलग होगा। तो यहाँ मुझे बोल्ड इटैलिक नहीं चाहिए, यहाँ मुझे ऐसा चाहिए कि एक पैराग्राफ अलग दिखाई दे और दूसरा पैराग्राफ अलग दिखाई दे। ऐसे लंबे कंटेंट के लिए आप कौन सा टैग यूज करेंगे? पैराग्राफ। कोई डाउट? पैराग्राफ की पहली खूबी, लेफ्ट से अलाइन होता है, राइट से भी अलाइन होता है। मतलब आप देखेंगे अगर पैराग्राफ अभी सर आप लिख रहे हैं, दो चार लाइन एस एस टी में या इंग्लिश में आपको लिखाया जाए, तो आप पहली लाइन में थोड़ा सा गैप देकर लिखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं पैराग्राफ जहां एंड करते हैं ठीक उसी के नीचे से पैराग्राफ शुरू करते हैं, तो यही कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर आपको इस टैग में मिलेगा। ऐसा करने के लिए अभी तक हम लोगों ने कोई टैग यूज नहीं किया था। कोई डाउट? एनी प्रॉब्लम? तो अब आप क्या इतना लंबा टैग टाइप करेंगे लैब में? कोई जरूरत नहीं है, आप किसी भी एप्लीकेशन का हेल्प उठा लीजिए, कोई भी लंबा टेक्स्ट उठाइए, कॉपी मारिए, टेस्ट कीजिए। हमको सीखना ही ना, हमको ये देखना ही ना कि पी यूज क्या करता है, हमको उतना लंबा टाइप करने की जरूरत नहीं। नोट पैड में ही हेल्प ऑप्शन होगा, उस पर हेल्प में से किसी पर क्लिक कीजिए और आप ये पर्पस यूज कर सकते हैं ना। ये नया टैग है, अगर किसी भी कंटेंट को लिंक बनाना है, हाइपर लिंक, ठीक है, लिंक बनाना है, मतलब आप अपने पेज में एक ऐसा ऑप्शन देने जा रहे हैं होम, तो होम पर क्लिक करते ही आपका पेज चार पेज का हो चुका है, एक के पेज में तो डिस्टेंस हो गया, स्क्रॉल करोगे बार बार, जिसको वेब पेज जब पब्लिश करोगे यूट्यूब पर, सॉरी गूगल पर जब डालोगे, तो ये देखे चाहिए देखे, तो उसको अगर ऑलरेडी आप आठ पेज का कंटेंट दे रहे हैं तो स्क्रॉल करेगा, बोर होगा कि नहीं होगा? आपके वेब पेज पर दोबारा कभी आएगा? अगर आपके वेब पेज पर कोई ट्रैफिक आएगा या नहीं, तो आपका वेब पेज किस काम का है? तो आपको एक बटन देना चाहिए कि नहीं? होम, होम पर क्लिक करते ही सीधे ऊपर चला जाए, और ऊपर में आपको लिखे डाउन, डाउन पर क्लिक करते सबसे नीचे चला जाए, तो यह उस यूजर के लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं? लंबा होने के बावजूद क्या यह बोरिंग होगा? ऐसे लिंक, एक लिंक दो दो तीन तरह के होते हैं, एक लिंक वो जो सेम पेज में आपको नेविगेट करे। कौन सा टॉपिक बता रहे थे? लिंक वाला, टाइप्स ऑफ लिंक, टाइप्स ऑफ लिंक। नंबर वन,